हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन द टेबल विद नीतू। आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वैलेंटाइन स्पेशल मील डिनर लंच। इसमें आपको बनाना है, बना सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है। यहाँ पे मैंने बीट रूट का हार्ट शेप पूड़ी बनाया है और मिक्स वेजिटेबल एकदम आसान ढंग से। तो आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फिर चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गाजर ले लिया है, पोटैटो है, बीन्स है, फूल गोभी है, प्याज है, टमाटर, पनीर, मटर, ये सब तो रहेगा ही। आप अपने हिसाब की सब्ज़ियाँ चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल रखा है, सिर्फ टमाटर, एक इंच अदरक, 7-8 लहसुन की कलियाँ, 1-2 हरी मिर्च और ये यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। उसके बाद ये 1 टीस्पून जीरा पाउडर है। धनिया एज यूजल मैं ज़्यादा डालती हूँ। यहाँ पे ये काली मिर्च है 1/4 टीस्पून और ये 2 चम्मच धनिया पाउडर है बस इसका हमको। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 से 3 टमाटर ले सकते हैं डिपेंडिंग कि आप कितनी सब्ज़ियाँ डाल रहे हैं। मैंने सब एक एक कप थोड़ा थोड़ा करके लिया है। मैं यहाँ पे सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को हमेशा धुआंदार गर्म करना होता है। थोड़ा सा जीरा और तेज़पत्ता डाला है बस। जब ये क्रैक करे तो आप सब्ज़ियाँ, पहले मैं गोभी को फ्राई कर रही हूँ। आइडियली जो मिक्स वेज है उसमें तेल ज़्यादा पड़ता है और सारी सब्ज़ियों को डीप फ्राई किया जाता है, बट मैं ऐसा नहीं कर रही। ये बहुत जल्दी बनेगा। बस आलू गोभी को थोड़ा सा पहले फ्राई कर रही हूँ, फिर जब गोभी थोड़ा लाल हो जाए तो आप इसमें बीन्स और गाजर डाल दें। ये जब थोड़ा फ्राई हो जाए तो फिर ऑनियन भी डाल दें और ये धीरे धीरे फ्राई होगा। तो यहाँ पे कम तेल में, लो ऑयल में आपका बहुत अच्छा सब्ज़ी बनेगा, आप यकीन मानिए। कैप्सिकम हमेशा लास्ट में डालते हैं। ये देखिए सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है। बस अब हम मसाला डालेंगे। और मसाला अगर आपका मन नहीं है तो आप टमाटर काट के भी डाल सकते हैं। मेरा वो अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने डाला था, और इससे थोड़ा सा ग्रेवी थिक हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप 1 टीस्पून ले लीजिएगा, मतलब 1 टेबलस्पून। और ये मटर है, सबको इसी टाइम डालना है और कैप्सिकम भी। और जैसे कि मैं मसाला डालती तो नमक भी डालिए और बस इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पे ऑयल ऑयल सब बहुत कम है और ये बहुत जल्दी बनता है, क्योंकि हमेशा मन नहीं करता कि अलग से ग्रेवी बनाए। आप वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने रेसिपीज़ डाली हैं वहाँ पे, प्याज की ग्रेवी है, टोमेटो की ग्रेवी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस देखिए मसाला जब फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा तेल सेपरेट हो जाएगा। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, 2 टेबलस्पून कर्ड, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो डालो, नहीं तो मत डालो, फिर भी बनेगा सही। और ये सब्ज़ी ना थोड़ी ड्राई रहती है तो मैं पनीर इस स्टेज में डाल रही हूँ, बट अगर आपको थोड़ा ग्रेवी करना है तो पनीर आप लास्ट में डालिएगा। बस दही कच्चा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से फ्राई होना चाहिए, महक चली जानी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए ये हो गया है और हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और आपको ग्रेवी ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा डालिए। मैंने यहाँ पर बस 1 कप पानी डाला है ताकि मसाला अच्छे सारे में फ्लेवर आ जाए। ये देखिए ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है। बस लास्ट में गरम मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून और फेवरेट रोस्टेड कसूरी मेथी, इसके बिना तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। और आप चाहें तो आप ये क्रीम भी डाल सकते हैं, बट ये बिलीव करिए बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी है, एकदम कम तेल में, कम मसाले में मज़ेदार सब्ज़ी। अब बीट रूट पराठा के लिए हमें बस बीट रूट को कट करना है, उसका जूस बनाना है, उसको छानना है। और जैसे ही आप आटा लगाते हैं, आपको मैदा लगाना है, मैदा लगाइए, 1/2 कीजिए। नमक अजवाइन डालना है वो भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ नहीं कर रही। मैंने 2 कप मैदे में बस इसी के पानी से, बीटरूट के जूस से ही आटा लगाया है बस एज़ यूजुअल। पूड़ी का आटा थोड़ा सा कड़ा होता है तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये ना मतलब बहुत आसान सी रेसिपी और मैंने जानबूझ के सिंपल रखा, क्योंकि हमेशा नहीं मन करता कि मतलब 2-2 घंटे किचन में बैठे रहे, राइट? या पूरा खाना आप 1 घंटे बना सकते हैं। तो बस ये आटा रेडी हो गया है और हार्ट शेप आप हाथ से ही बना सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है। ये देखिए अब मेरे पास तो भाई कटर है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, बिना कटर के भी कर सकते हैं, तो वो दोनों हम दिखाएंगे। और जैसे आप पूड़ी छानते हैं वैसे पूड़ी छानिए। और ये मैं ये आई लव यू बना रही हूँ, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल खाने को भी आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत मसाला या बहुत प्रिपरेशन के बाद ही खाना टेस्टी बनता है, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है और शौक भी होना चाहिए।
तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए ये आई लव यू मैंने बिना कटर के ही बनाया है, और एक्चुअली बनाते समय ना सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए सुंदर लग रहा है ना, मन तो हो रहा होगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये तो रह गया हमारा नॉर्मल, और मैं ये देखिए हाथ से भी मतलब बिना कटर के मैंने ये दिल आई लव, तो ये आपको करना ही होगा, बस मैंने हाथ से थोड़ा सा आड़ा तिरछा किया और बीच में कोना दे दिया है। तो सिंपल है, आप जो गोल पूड़ी को भी ना हल्का सा कट कर देंगे, जो पिज़्ज़ा कटर आता है ना उससे भी बन जाता है, ऐसा कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, तो थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं जैसा आपका मन, और ये मैं एक साथ बहुत सारे छान रही हूँ, तो बस 30 सेकंड के लिए फ्लिप करिए और अच्छे से ऊपर से तेल तेल डालिए ताकि दोनों फूला फूला रहे, और आपका ये हार्ट शेप पूड़ी बिल्कुल रेडी है। तो ये एक घंटे में आप पूरा डिनर का मील मतलब एकदम से डिनर रेडी कर सकते हो, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स डे, और अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा। बाय।